हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, कुछ घंटों बाद मोदी के साथ बैठेंगे पुतिन, खुशी से चीन पागल है। चीन क्यों पागल है भैया खुशी से? चीन को क्या फर्क पड़ रहा है ये समझ नहीं आई। और ये मोदी जी पुतिन के साथ बैठेंगे, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी पता करना है। अच्छा, आगे भी है, ब्रिक्स समिट, जिनपिंग मीट पीएम मोदी। अच्छा, ये सब मिलेंगे भी क्या, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं कि ये मतलब वो जूम मीटिंग या उस टाइप से कर रहे हैं ऑनलाइन कि एक्चुअली में जाके बैठे हैं। पर अब तो कोविड का भी काम वो खत्म हो गया, ब्रिक्स में जो आ रहा है वो रशिया है। देखते हैं, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अचानक भारत को लेकर अपना रवैया बदल लिया है। भारत की मजबूत विदेश नीति को देखकर अब कई बड़े देश परेशानी में आ गए हैं। सबसे ज्यादा हलचल तो अमेरिका और चीन में है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत अमेरिका और चीन दोनों के लिए ही सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। हाल ही में जब जापान में क्वाड देशों की बैठक हुई थी तो चीन टेंशन में आ गया था। आपको बता दें कि चीन का विवाद क्वाड समूह में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सभी के साथ चल रहा है। चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत भारत और अमेरिका की मुलाकात से थी, लेकिन अब एक ऐसी बैठक होने जा रही है जिसने अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल 23 और 24 जून को 5 देशों के ब्रिक्स समूह की एक बैठक होने जा रही है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इस बैठक में अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी रूस, चीन और भारत की मुलाकात से है। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका और चीन दोनों ही अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। अमेरिका और चीन में कई मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ताइवान का है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका और चीन दोनों के लिए ही करो या मरो की स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसी संभावना को देखते हुए अमेरिका और चीन भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव है। अफगानिस्तान और यूक्रेन में अपनी नीतियों के लिए आलोचना झेल चुका अमेरिका अब चाहता है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर उसका साथ दे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर भी कुछ नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया में उसका रसूख खत्म हो जाएगा। यही दुविधा अब चीन के साथ भी है। चीन भी भारत को लगातार रिझाने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि भारत भले ही ताइवान के मुद्दे पर उसका साथ ना दे, लेकिन उसका विरोध भी ना करे। भारत को अपने पक्ष में करने के लिए चीन लगातार रूस से मध्यस्थता कराने की कोशिश में भी लगा हुआ है। इसके अलावा चीन कई मुद्दों पर भारत की जमकर तारीफ भी कर रहा है। अब कुछ ही घंटों में होने जा रही ब्रिक्स बैठक में चीन भारत की तरफ देखेगा और अमेरिका इन दोनों की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये बोल रहे थे ना कि चीन जो है इंडिया की तरफ देखेगा, तो देखता रहे। मैं तो कह रही हूं हमने नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? कि अपना मतलब है तो वो दिखा रहे हैं कि भैया वो प्रेस करता है। कौन सी प्रेस करता है? अभी हमने तो न्यूज सुनी थी जिसमें पाकिस्तान से साथ मिलकर इन्होंने कोशिश की कि इंडिया के ऊपर कुछ ऐसे एक्शंस लगे यूएन में कि भाई वो इंडिया जो है वो टेररिज्म करता है, वो लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तान में भेज रहा है जो बॉम्ब्स करते हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, और उस टाइप की उन्होंने की है। तो चाइना का तो मैं कहूंगी, चाहे किसी को भी कहीं पे भी आप कुछ भी सुन लो, पर ट्रस्टवर्दी तो नहीं है। और अगर इंडिया, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई किसी वे से जो है चाइना के साथ कोई इस टाइप की फ्रेंडशिप करेगा, क्योंकि हमारी है ही उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो अभी तक हमारे जो बॉर्डर पे वो खड़े हुए हैं और हमारी आर्मी को हमेशा रेडी रहना पड़ रहा है। तो उनके साथ तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इस टाइप की कोई खास बातचीत हो सकेगी या पॉसिबल है। एंड अगर चॉइस हो बिटवीन चाइना एंड यूएसए, मेरे ख्याल से यूएसए को ही चूज करना चाहिए इंडिया को। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि चाइना वो ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, हु नोस। और पर ऐसे लग रहा है कि उनको ये लग रहा है वो खुशी इसलिए हो रही है कि इंडिया एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करने आ रहा है,
तो उन्हें लग रहा है कि शायद रशिया के हेल्प से कोई रिलेशनशिप्स बेटर हो। देखो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रिलेशनशिप्स अगर बेटर हो जाए, नथिंग लाइक इट, बट ये है कि ट्रस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आप बोलो रिलेशनशिप अच्छे कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि हम लोग बॉर्डर से पीछे जा रहे हैं, हमारे सोल्जर्स चाइना बोलता है, और पता चलता है वो पीछे गए ही नहीं है, वो फिर वापस आ जाते हैं या कुछ ना कुछ इस टाइप का करते हैं, और साथ में पाकिस्तान के साथ हैं वो, तो कैसे वो ट्रस्ट गेन कर सकते हैं? ट्रस्ट तो गेन नहीं कर सकते। और ताइवान की अपनी अलग वो है, उनके साथ वो देखते हैं ताइवान के साथ अगर ये अटैक करेंगे नहीं करेंगे, पर जहां तक हमें लगता है अटैक तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अटैक कर दिया तो इनकी भी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, तो वो और मुझे लगता नहीं। पर देखते हैं कि अब ब्रिक्स में क्या बातचीत होती है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है न्यूज में। तो देखिए इसमें मेन पॉइंट ये है कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे तो क्या होगा, सबसे बड़ी तो सभी के माइंड में यही है। अब मुझे लगता नहीं है कि यूएस का रिस्पॉन्स इतना शार्प होगा जितना आप कह सकते हैं कोई 20 साल पहले होता, राइट। जिस हिसाब से इकोनॉमिकली आपको नजर आ रहा है कि चाइना ऑलमोस्ट बहुत करीब आ चुका है यूएस के, तो उसके बाद जो है रिस्पॉन्स होना, और यहाँ पे इस समय महंगाई है, बड़ी ज़बरदस्त महंगाई हो गई है, वही इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो मतलब स्टॉक मार्केट आपको नजर ही आ रहा है बियर मार्केट हो गई है, काइंड ऑफ डूब रही है, फिर वापस उठेगी, तो साइकिल होते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है। और ये भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम टैक्स कम कर देंगे पेट्रोल वगैरह पे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हाई रहेंगी, माइन्यूट पैसा मतलब कम होगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन रीज़न ये था कि आपने पूरे वर्ल्ड में जो सैंक्शंस लगाए हैं ऑयल रशिया का नहीं जा पा रहा। ओके, इंडिया ले रहा है दैट्स फाइन, मगर और दूसरे वर्ल्ड नहीं ले रहा, वहां से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो गई है। गवर्नमेंट का कहना तो यही है कि बहुत जरूरी था कि जो स्टैंड लेना है वो प्रिंसिपल आपका एक है, उस कैरेक्टर के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से, कंट्री की सॉवरेनिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लाइफ में लेना पड़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर वाली बात है। फिर जो आपको सहन करना पड़ता है, कोई तो कॉस्ट देनी पड़ेगी किसी कैरेक्टर के लिए, तो उस हिसाब से जा रहे हैं। अब जो भी ब्रिक्स होगा उसमें ऑफ कोर्स अब यहाँ पे अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ चाइना है और रशिया है और इंडिया है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि जब भी देखा गया है कि चाइना की कहीं पर भी चाइना कोई कॉन्फ्लिक्ट करता है इंडिया से, तो रशिया बीच में नहीं पड़ता, राइट। जैसे अभी एक ही हुआ था वोटिंग में, जैसे रशिया ने एब्सटेन किया था, जब कहा था कि पाकिस्तान ने जब रेस किया था यूनाइटेड नेशंस में पॉइंट कि कोई ऐसा बंदा है जेल में जो इंडिया से आया है, बलूचिस्तान में पंगा करना चाहता है, उसको ब्लैकलिस्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो इन सब घपलों में रशिया ने तो एब्सटेन किया था। चाइना पाकिस्तान थे यस कि भैया पाकिस्तान तो लेके आया प्रॉब्लम, चाइना ने ओके किया, मगर और यूएस फ्रांस यूके ने मना कर दिया। इस वक्त जो है रशिया नहीं आया, तो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आया रशिया। और ये पहले भी बहुत लोगों ने कहा है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा चाइना के साथ रशिया नहीं आएगा। एक समय पे चाइना जब यूक्रेन और रशिया की फाइट हुई थी, वॉर हुई थी, शुरू हुई थी, तो उनको लगता था कि दो दिन के अंदर अंदर ही यूक्रेन को ले लेंगे, राइट। जब उनको दिखा रहे दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, सबसे पहले उन्होंने चाइना का बोला कि हमें हेल्प चाहिए उस वक्त। फिर उन्होंने कहा, जब चाइना ने कहा अच्छा भाई भैया हमको मतलब डायरेक्टली नहीं दे सकते ये वो, तो क्या किया रशिया ने, तो रशिया ने कहा ठीक है हम जो है उनकी कैपिटल कीव पे अटैक नहीं करेंगे, उधर अटैक करेंगे नहीं, हम सीधा वहां जा रहे हैं जो ईस्टर्न साइड है, मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ आप कह सकते हैं रशिया के वेस्टर्न साइड, यूक्रेन के ईस्टर्न साइड। सो जो वहां पे उन्होंने बोला कि जहां पे हमारे ऑलरेडी सेपरेटिस्ट हैं, यहां पे कुछ कंट्रोल है, वहां से हम शुरू करेंगे वॉर करना, क्योंकि वहां हमें ज्यादा पता है, राइट। तो किसी ने मतलब नेट रिजल्ट ये हो गया कि रशिया को प्रॉब्लम आई तो उसने भी चाइना से हेल्प मांगी। ये एक बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि सभी को पता है कि रशिया मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग कंट्री जो मिलिटरीली, वो चाइना से क्यों हेल्प मांगेगी, क्यों? क्योंकि पैसा लगता है, आपके पास मिलिट्री है फाइन, मगर जब वॉर होती है आपको और प्रोडक्शन करने हैं आर्म्स एम्युनिशन के, आपको बहुत जबरदस्त पैसा आपका जा रहा है, तब उनको चाहिए पैसा,
जिसका पैसा है वही वॉर कर सकता है। तो यहाँ देखिए, तो मेरे ख्याल से काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे ब्रिक्स, देखते हैं क्या होता है कि क्या इंडिया जो है कुछ कर पाएगा। करने का मतलब यह है कि क्या डिस्प्यूट हमारे चाइना से खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेटली करना तो यही है थोड़ा कि वहां जाके गले मिल रहे हैं, हाँ अच्छा खाना खा रहे हैं, दो चार स्पीचे दे रहे हैं, हो गया वापस आ रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है भाई। मोदी जी को भी पता है, वो मोदी जी तो चाहते हैं कि भैया जो तुम्हें करना है दिखाओ, अपनी फोर्सेस को पीछे लेके जाओ, डिस्प्यूट हटाओ, फिर बोलेंगे एक्चुअल कुछ हुआ, खाने पीने में क्या है, हाथ मिलाने में क्या है, तो देखते हैं क्या होता है। बट काफी इंटेंस होगा ब्रिक्स, तो पता लगेगा क्या होता है। चलो फ्रेंड्स, आप भी बताना आपके थॉट्स क्या है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।